हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई होप आप सब अच्छे हैं और सेफ्टी रख रहे हैं और वैक्सीनेशन ले रहे हैं आप लोग, क्योंकि वैक्सीनेट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि थर्ड वेव, जैसे कि आप लोग सुनते हैं आजकल, थर्ड वेव अक्टूबर से कभी भी मतलब स्टार्ट हो सकती है, अक्टूबर के अराउंड। तो वैक्सीनेट होना बहुत ज़रूरी है तब तक। और मेरा तो अभी वैक्सीन एक ही लगा है, फर्स्ट डोज लगा है। सेकंड डोज मेरा नवंबर में लगेगा। और मेरे हस्बैंड ने भी कल था 27 अगस्त, तो कल उन्होंने अपना फर्स्ट डोज, कल नहीं सॉरी, अब उनको लिए हुए दो दिन हो गए हैं, उन्होंने अपना फर्स्ट डोज लिया। तो उनको भी नवंबर एंड में सेकेंड डोज लगेगा, बट उसी से पहले कोविड आ जाएगा फॉर श्योर। तो इसलिए उसके लिए सेफ्टी अभी से रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। मास्क बिल्कुल मत उतारिए बाहर निकल करके, बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, क्योंकि कोविड बहुत सीरियस हो सकता है सबके लिए। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा चेहरा कितना डल सा लग रहा है, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी जब उन्हें अभी वैक्सीन लगा था। तो उनको नाइट से ही, दिन में उनको वैक्सीन लगा था, अराउंड 1 या 2 बजे वैक्सीन लगा था, और नाइट से उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। रात में 10 बजे से उनको इतनी तेज़ बुखार आ गया था, पूछिए मत आप। मैं दवाई भी दे दी, लेकिन फिर भी ना वो फीवर कहीं जा नहीं रहा था। उनको बिना फ़ैन के वो लेटे थे, स्टिल उनको पट्टी में रात में कर रही थी। पट्टी करी मैंने काफ़ी देर, उनको मैंने माथे पे सरसों का तेल लगाया, सब किया, तब जाके उनका फीवर जो है कम हुआ। फिर मैं रात को 3-4 बजे फिर से मैंने उनको पट्टी करी, मेडिसिन दी, तब उनका फ़ीवर थोड़ा कम हुआ। और कल मॉर्निंग में भी उनका मन बहुत ख़राब था, फीवर था। आफ्टरनून में उनको जाना पड़ा अपने काम के लिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर जब वो आए तो फिर उनको बहुत तेज़ फीवर था, उनको फिर से मुझे पट्टी वट्टी करनी पड़ी। अब वो थोड़े से ठीक हैं। तो वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो आज वो काम पे गए हैं, नहीं तो वो तो काम पे भी कल नहीं गए थे। और विधान अभी सो रहा है, अभी दिन के बज रहे हैं, 12-1 बज रहे हैं। विधान ने एक्चुअली, उसको मैं कुछ खिला रही थी तो उसने वॉमिट उल्टी कर दी थी, तो फिर वो उल्टी उल्टी करके उसका मन थोड़ा ऐसा हो गया तो वो सो गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, तुम सो जाओ, आराम करो, वो सो गया। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ शेयर। तो बस यही अपडेट है। और अब आ रहा है जन्माष्टमी, लेकिन हम जन्माष्टमी पर कहीं भी घूमने नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत डर है विधान को लेके जाने में, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं भी। भाई तो आप लोग बताइएगा आपको राखी ब्लॉग कैसा लगा हमारा, और राखी पर हमारा लुक आपको कैसा लगा। तो वही, अब जन्माष्टमी आ रहा है, हम चाहते हैं विधान को बाहर लेके जाना, लेकिन ना बहुत डर लगता है ऐसे पब्लिक प्लेस में जाना, ज़्यादा लोगों के बीच में जाना। बट घर में ही मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको थोड़ा सा तैयार कर दूँ, कृष्णा जी। और लास्ट टाइम की जो लास्ट ईयर की उसकी कुछ पिक्स हैं, मैं आप लोगों के साथ उस वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग बताइएगा कि वो एकदम कृष्णा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एकदम कान्हा जैसा लग रहा है वो उसमें। तो इस बार भी मैं घर में उसको थोड़ा सा तैयार करूँगी, तो मैं वो ब्लॉग ज़रूर शूट करूँगी आप लोगों के लिए। और कब है, आई थिंक 30th, हाँ 30 तारीख को है शायद जन्माष्टमी, और आज 28 तारीख है, परसों। मैं बस बोर हो रही थी अभी, मेरा मन नहीं लग रहा था मैं क्या करूँ, अभी नींद भी नहीं आ रही है। सो ऐसे ही मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। और आप सब भी बताइए और कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, आप कोई चैलेंज वीडियो देखना चाहते हैं नेक्स्ट, या फिर कोई व्लॉग देखना चाहते हैं, या मेरा कोई डेली रूटीन देखना चाहते हैं मॉर्निंग टू नाइट, जो भी आप देखना चाहते हो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट होने वाले हैं बहुत जल्दी, अब बस मेरे 40 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं 1000 होने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब my channel and give me a lot of love, and thank you very much guys. आज के लिए बस इतना ही, love you all, bye.